समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां अयोध्या विधानसभा में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे की अगुवाई में सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का भव्य स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था। हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हम प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगा है कि वो हमको ताकत दें ताकि हम असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़कर समाज की सेवा कर सकें। गठबंधन पर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव और परिणाम वो पहले देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करके लड़ेगी। वहीं नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। आने वाले समय में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों से समाज का हर वर्ग बुरी तरह से आहत है। उन्होंने कहा कि आज खेती किसानी, नौजवानों, महिलाओं की समस्याओं का प्रदेश सरकार ना कोई निराकरण कर रही है, ना ही प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इस सरकार के पास कोई विजन है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में थी तो समाज का हर वर्ग सरकार की नीतियों और रीतियों से खुश था और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते देख रहा था, लेकिन आज हालात ये है कि भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग को परेशान करने के लिए ऐसी ऐसी नीतियां लेकर आ रही हैं जिससे लोग दहशत में हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार की नीति का सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी ज़मीनों को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए सरकार ने तमाम नियम बनाकर किसानों को मुसीबत में ला दिया है। अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, यहाँ जो हमारा इतिहास कहता है कि यहाँ भगवान राम पैदा हुए थे और हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं, कौन आया कौन गया उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनसे भी आशीर्वाद मांगा है कि हमको ताकत दें, तो हम असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ करके समाज की सेवा कर सके। 2022 में किन पार्टी के साथ गठबंधन होगा? 2022 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव और परिणाम ठीक नहीं रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे, जिनको समायोजित करेंगे, हम कार्यकर्ता लोग उसका अनुपालन करते हुए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दलों को जिता करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देंगे। अयोध्या में महंगाई बढ़ा करके उनके किसानों की लागत मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों के साथ धोखा किया, रोजगार 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात कही और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, इस पर धोखा किया, महंगाई कम करने का 100 दिन में वादा किया था, महंगाई आसमान छू रही है, इस पर धोखा किया, और प्रदेश के अंदर जो जंगल राज है, योगी राज में हर आदमी की जीवन की सुरक्षा नहीं है, हत्या डकैती लूट राजनीति बलात्कार बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जहरीली शराब पिला करके प्रदेश के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली से पूरे प्रदेश के लोगों का जीवन असुरक्षित है। इन बातों को लेकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम समाज में निकले हैं किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर के। यात्रा का नाम किसान पटेल यात्रा का इसलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में किसानों को संगठित करके भारत की आज़ादी दिलाने में गांधी जी के साथ सबसे बड़ा योगदान किया और भारत के किसानों ने अंग्रेजों को हटाया और अंग्रेजों को हटाने के बाद भारत के किसानों ने कांग्रेस की गलतियों को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की नीयत को देख करके कि कांग्रेस हमको हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही, कांग्रेस को हटाया। अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का रवैया पकड़ लिया, तो अब हमारे किसान नौजवानों ने ठाना है कि भाजपा हमें हटाना है और अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री बनाना है, ये उद्देश्य है। ये यात्रा कहाँ से शुरुआत किया है? ये यात्रा 29 अगस्त को सीतापुर के महमूदाबाद से बिस्वा, सीतापुर, महोली और बहराइच की नानपारा, मैसी, मटेरा, बहराइच, श्रावस्ती की श्रावस्ती, भिनगा और बलरामपुर की तुलसीपुर, गैसड़ी, बलरामपुर, उतरौला और उसके बाद गोंडा, मेहनौन, गोंडा, तरफगंज से होते हुए ये अयोध्या की सीमा में घुसी है। पवन पांडे जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और किसान नौजवानों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया और हम सबका मनोबल बढ़ाया है,
हम मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं कि जिस दिन से चले हैं मीडिया के साथी सच दिखा रहे हैं, जो जनता बोल रही है, जनता जो कह रही है उसी बात को मीडिया के भाई दिखाते हैं, तो पत्रकारों का भी दमन हो रहा है, पत्रकारों की भी आवाज़ दबाने के लिए चैनल के लोगों के यहाँ छाप। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।